मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मोटल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में ही हूँ, नवी मुंबई में। और जब मैं 4 साल का था, मेरे पापा गुजर गए थे। मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया, उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया। और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना। पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते करते पता चला होगा। मैं गेमिंग मेरे को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे अच्छा साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाओ। मैंने फैलाया वाला। बस 2015 से लेके 18 तक, जब तक मेरा बीकॉम पूरा कंप्लीट हुआ, उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं हम जिन्हें देख रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन हैं। यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनमें भी इंडियंस, सारे कमेंट करने वाले इंडियंस हैं। मेजॉरिटी मेरे को जो दिखते थे इंडियंस ही दिखते थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा कोई वीडियो बनाऊं उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूं। और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो उस सोच से बना था वायरल हो गया। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, अनिमेश से मिला 2018 में। मैं हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी SA12। मोर्टल नाम कैसे रख लिया? भारत में तो लोग इमोर्टल की बात करते हैं, लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमोर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस अच्छा कुछ नया कर मोर्टल कर दिया उसको। मेरा नाम पायल धर है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गाँव से हूँ, मैं MP में एक छिंदवाड़ा करके जगह है, इंदौर के पास में है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था बट घर पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। 12th तक भी हमारे पास घर पे फ़ोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे, या दोस्त के जो भाई वगैरह है वो कैफेज जाते थे गेम खेलने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें भी आप करियर बना सकते हो। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, तो सर थोड़ा घबरा रही हूँ। थोड़ी छांक लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश पाटनकर है, मेरा गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है, एंड आई थिंक उसी की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, तो गेमिंग, एंटरटेनमेंट, मिमिक्री, ये सब मिलके मैं बनाता हूँ मेरे वीडियो। पूरा सलाड बना देते हैं। मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं जो बाहर के लोग भी देखें, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड, सो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड, एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ, एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ, और मैं 2014 से हार्स्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है अभी तो। लोग आपको कच्छ में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी तो मतलब बहुत सारे लोग लेकर के जाना पड़ता है। नहीं नहीं अभी तो क्या आप मुझे देखिए मेरे पास तो ये है। हाँ मतलब इनिशियली तो किसी को पता नहीं था, बट जब से ये मेडल हासिल हुआ है तब से काफ़ी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे हैं। हेलो सर, मेरा नाम है गणेश और लोग मेरे को एस के रोसिया से जानते हैं, और मैं बैंगलोर से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, जो मैं जब से कॉलेज में मैं गया, दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रोड्यूस किया, और जब मैं खेला अचानक से उधर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरे को असली में मज़ा आता है करने में और इस पर मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैं जब 17 ईयर ओल्ड था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशिया में, तो जब मेरा सक्सेस मिला और मैं लाइक कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा माँ बाप का जो ड्रीम था घर बनाने का वो मैं कराया, और दोनों को जॉब से रिटायर कराया, और अभी सब रिलेटिव्स बोलती बंद। आई वाज लाइक धक्का हो रहा था पूरा कि क्या बात करूँ उनके सामने, बट आज जब मिला आई जस्ट लाइक जो भी मन में है, जो भी मेरा स्टोरी है, जो मेरे को जानता है वो सब बोल दिया मैं उनके सामने। एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंटिन्यू?
आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है, वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट, सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे हैं, और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बन गए या फिर वो 10 दिन तक नहीं बने। हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन्स आ गए हैं, सबके पास अभी इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बाजू में रखें तो एग्जाम्पल यूपीआई भी इट्स ऑल्सो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जो इंडिया में, इट्स अ ब्लेसिंग। गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है, पता है? बिल्कुल पता है, पता है। सर, मैं तो खुद ही मानता हूँ सर कि पूछोगे ना वो सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट। आप जो भी बैठा है, हम सब हमारी शुरुआत ही ऐसी है सर, जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं एंड 1400-1500 से ज़्यादा गेम स्टूडियोज भी है। सर वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2000 सब कुछ मेरे आने के बाद। जी एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ और आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था, एक लड़का बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं तेरा भाई तेरे साथ है।